ये जो सरकार है ना, ये यहीं से बनाई जाती है और यहीं से गिराई भी जाती है। एक कुर्सी पे हम बैठे हुए तो सबको दिख रहे हैं, पर इस कुर्सी के नीचे का जो राज है ना, ये सिर्फ हमको पता है। और इस राजनीति में हम ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, खून पसीना तक बहाए हैं, तब जाके एक कुर्सी मिला है हमको। कोई माइकल अली बोल नहीं सकता है कि कुर्सी हमको फ्री में मिला है। बहुत मेहनत किया है ये बब्बू भैया। अरे एक एक गली में जा जाके पर्चा बांटा है, पंपलेट बांटा है, पोस्टर लगाया है, हमारा नेता कैसा हो, बब्बू भैया जैसा हो, बब्बू भैया, बब्बू भैया, बब्बू भैया। आज तक पूरा जिला में बब्बू भैया का नाम गूंज रहा है और गूंजता रहेगा। आप क्या जानते हैं कि राजनीति में आना इतना आसान है? अरे बहुत मेहनत किया है, एक एक आदमी का जाके, एक एक आदमी का जाके हम पैर पकड़ा है, और जो नहीं माना है ना उसका पैर खींच भी दिया है। सारा जिला जानता है कि हम अपने चाचा जी से कितना प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। वो हमारे लिए अपने माता पिता से भी बढ़ते थे। राजनीति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ वो हमको बताए। वो हमारे राजनीति के गुरु थे, पर उनका हमको एक ही बात अच्छा नहीं लगता, ईमानदार। काट दिए उनको हम, बहुत समझाया उनको कि चाचा जी राजनीति में ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है, पर उन माने ही नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे शांति से याद आया, काहे नहीं खा रहे हैं आप? अरे खाइए ना, भाभी ने बहुत प्यार से बनाया है, खाई खाई खाई। बंसी बाबू, आप चाहते हैं कि फुल फुल का टिकट आपको मिले, तो पहले जाके अपने बाप को समझाइए कि वो अपोजिशन वाले से हाथ ना मिलाए, और अगर नहीं मानेगा तो यहां दोबारा आने से पहले गया जी में जाके उनका पिंडदान करके आइएगा। चलते हैं, हाँ रात का खाना खा के जाइएगा। हाँ रामू, इनको खाना खिला के भेजना भाई। हाँ ऐसे नहीं जाना है। अच्छा चलते हैं।